What's up boys and girls, welcome back to Jhega. चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और पुराने हो के भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे बेहतरीन दारू वाले वीडियो देखने के लिए, ओके? जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, हम रिव्यू करने जा रहे हैं पीरा गोल्ड का। इसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि वीडियो के एंड में मिलेगा आपको एक बढ़िया सा दारू तथ्य एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू दारू, रिलेटेड टू अल्कोहल। तो पूरा वीडियो देखो, मेरे साथ बने रहो एंड तक। अब बढ़ते हैं बीरा गोल्ड की तरफ। तो ये जो बीरा गोल्ड है, वैसे आई थिंक तकरीबन 2 साल हो गए होंगे उस बात को, या साल, 1.5 साल, 2 साल, जो भी हो गया होगा। काफ़ी टाइम पहले हमने ऑलरेडी रिव्यू किया था बीरा स्ट्रॉन्ग का। तो ये जो बीरा स्ट्रॉन्ग है, उसी को रीलॉन्च किया गया है बीरा गोल्ड के नाम से, लेकिन हमने स्पेसिफिकली बीरा गोल्ड को रिव्यू नहीं किया था और बीरा स्ट्रॉन्ग को रिव्यू किए भी काफ़ी टाइम हो गया था। तो आई थॉट कि रिकंसिडर करते हैं, एक बार वापस से रिव्यू करते हैं चैनल पे बीरा गोल्ड का। तो इसलिए हम इसका आज रिव्यू करने जा रहे हैं। बीरा के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बीरा की ढेर सारी बियर का मैंने रिव्यू किया है, वाइट, ब्लॉन्ड, आई थिंक उसके साथ साथ में बूम और कौन सी आती है, बीरा लाइट, इन सब बियर्स का रिव्यू मैं कर चुका हूँ। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ साथ में आई बटन पे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ये वीडियो देख लो, उसके बाद में अगर आप बीरा में इंटरेस्टेड हो, बीरा की हिस्ट्री जानना चाहते हो, बीरा से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, वो उन वीडियोज़ के अंदर भी आपको मिल जाएगी। तो हम बीरा से रिलेटेड कुछ बात नहीं करेंगे इस वीडियो के दौरान, सिर्फ हम बात करेंगे गोल्ड से रिलेटेड। तो ये एक स्ट्रॉन्ग वीट बियर है। स्ट्रॉन्ग वीट बियर काफ़ी कम अवेलेबल है मार्केट के अंदर। पहले आई थिंक इंडियन बियर्स की बात करी जाए तो वाइट ऑल अवेलेबल थी, लेकिन वो भी अब अवेलेबल नहीं है। आई थिंक आफ्टर कोविड उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो बंद कर दिया है, बिकॉज आई डोंट सी एनी बियर, और मैंने कहीं पे आर्टिकल भी पढ़ा था कि उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो बंद कर दिया है। आई डोंट सी वाइट ऑल बियर इन अवेलेबल इन मार्केट। सो फिलहाल देखने जाएँ तो बहुत यही आई थिंक स्कोप है व्हेन इट कम्स टू वीट स्ट्रॉन्ग बियर। तो जिन लोगों को वीट बियर पसंद है लेकिन उनको साथ साथ में उनको स्ट्रॉन्ग बियर भी पसंद है, तो आई थिंक इसके साथ में जा सकते हैं। लेकिन हम चेक करेंगे कि ये बियर जो है वो कितनी अच्छी है रिव्यू के दौरान। अगर इसकी प्राइस की बात करी जाए तो 190 रुपये का 500 ml का ये कैन है, 190 रुपीज को 500 ml कैन इन मुंबई, महाराष्ट्र। आपके स्टेट के अंदर क्या प्राइस है इसकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज आई थिंक दूसरे स्टेट में अपार्ट फ्रॉम तेलंगाना और कर्नाटक, बाकी सारे स्टेट में इसकी प्राइस कम होनी चाहिए। तेलंगाना और कर्नाटक के अंदर आई थिंक प्राइसेस जो है वो प्रीटी मच सिमिलर टू महाराष्ट्र रहती हैं। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करी जाए तो इसके अंदर यूज हुए हैं वाटर, बाले माल्ट, वीट, हॉप्स, ईस्ट, CO2, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो यूज किए गए हैं इसके अंदर। मतलब कोई एजेंट्स यूज नहीं हुए हैं। और अगर आपको याद होगा, मुझे याद है क्योंकि जब मैंने बीरा स्ट्रॉन्ग का रिव्यू किया तो उसके अंदर एक कंफ्यूजन था, बिकॉज कहीं पे मैंने बीरा स्ट्रॉन्ग की बॉटल के अंदर लिखा हुआ देखा था शुगर, लेकिन कैन पे नहीं लिखा हुआ था और इस पे भी नहीं लिखा हुआ है। सो आई कंसिडर कि ये लोग जो हैं उन्होंने एडिशनल शुगर का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया है इस बियर को बनाने में। तो चलो अब करते हैं पोर बीरा गोल्ड को। राइट, आई थिंक अभी हमने काफ़ी बियर पोर कर ली है, थोड़ी सी बची है कैन के अंदर, बाकी तो ऑलमोस्ट आप देख पा रहे हैं बियर जो है पोर हो चुकी है। एस वीट बियर है, सी थ्रू नहीं है, आप सबको पता होगा। अभी तक हेड की बात करूं तो थोड़ा सा ऑफ वाइट हेड मुझे दिख रहा है इसका फिलहाल है। ऑफकोर्स बियर ऊपर से पोर करी है तो फिलहाल तो हेड दिखेगा। कार्बोनेशन जो है वो ठीक ठाक सा है, इट्स नॉट लाइक, आई वुड से डीसेंट कार्बोनेटेड बियर। चलो अब करते हैं नोस। स्वीट, फ्रूटी, फ्लावरी नोट्स जो आप एक टिपिकल वीट बियर से एक्सपेक्ट करते हो। Yeah, bit of citrus is what I'm getting. Moreover, यही notes मुझे मिल रहे हैं, cause I think अगर और कोई notes होंगे भी जैसे hops के या hoppiness वगैरह जो है वो I think दब रही है इसकी जो flowery और fruity notes है उनके सामने। तो चलो अब पीकर देखते हैं। Head जो है वो है I think फिलहाल
वेन इट कम्स टू स्ट्रॉन्ग बियर उनका हेड यूजुअली रहता नहीं है, तो इनका अगर इसका अगर हेड देखने जाए तो फिलहाल तो दिख रहा है मुझे हेड ऊपर से पोर करने के बाद भी फिलहाल हाफ ऑफ द हेड स्टिल आई कैन सी, सो आई वुड से डिसेंट हेड है बियर का. चीयर्स. ऑरेंज का अच्छा खासा फ्लेवर आ रहा है उसके साथ साथ में जो मुझे नोज पे फील हो रहे थे फ्रूटी फ्लावरी टाइप के नोट्स वही मुझे पैलेट पे भी फील हो रहे हैं जैसे फ्लावरी फ्रूटी एक स्ट्रॉन्ग बियर है लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके अंदर कोई ऐसे ऐसा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का पंच है ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग बिटरनेस है वो नहीं है. आई थिंक थोड़ी सी स्वीटर साइड पे भी है नॉट मच बट अ बिट ऑफ आई थिंक आई एम गेटिंग काइंड ऑफ चॉकलेट या आप ये कह सकते हो कैरेमल टाइप का जो फ्लेवर है वो मुझे मिल रहा है. या बिट ऑफ चॉकलेट एंड कैरेमल इज व्हाट आई एम गेटिंग. तो मेरे हिसाब से यूजुअली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ वीट बियर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट बट मेरे हिसाब से जिन लोगों को वीट बियर के अंदर स्ट्रॉन्ग बियर जो लोग चाहते हैं वो सर्टनली इस बियर को ट्राई कर सकते हैं और उनको अच्छी लगेगी ये बियर क्योंकि अगर आपको वीट बियर पसंद है और आप स्ट्रॉन्ग बन चाहते हैं तो यही आई थिंक ऑप्शन है आपके लिए जो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन जो लोग सिर्फ स्ट्रॉन्ग बियर पीना पसंद करते हैं और वे सोच रहे हैं कि बीरा की स्ट्रॉन्ग बियर आई है तो मैं ट्राई कर लूँ तो आप ये मत भूलिएगा कि एक वीट बियर है तो आप एक टिपिकल स्ट्रॉन्ग बियर से जो फ्लेवर पाना चाहते हैं वो इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे. इसके अंदर आपको थोड़े से स्वीट फ्रूटी फ्लावरी नोट्स जो है वो मिलेंगे. अगर आप उसके साथ ओके हैं देन आप इस बियर को ट्राई कर सकते हैं. ऑलराइट तो ये था हमारा बीरा गोल्ड का रिव्यू. I'm not sure, मैंने आपको इसकी जब पहले ही बोल चुका हूँ अल्कोहल स्ट्रेंथ 8 है तो वो स्ट्रॉन्ग है तो नॉट एक्सीडिंग 8% के अल्कोहल स्ट्रेंथ के साथ में ये बियर जो है वो आती है. बात करते हैं हमारे दारू तो दारू तत्व हमें ये बताता है कि एक जैसे कि बियर जो बनती है लाइक ब्रूइंग प्रोसेस जो होती है वो कैलेंस के अंदर तो उसके अंदर जो यीस्ट डाला जाता है 36 बिलियन यीस्ट सेल्स जो होते हैं वो होते हैं एक गैलन के अंदर. एक बियर के गैलन के अंदर बियर को फर्मेंट करने के लिए जो सेल्स लगते हैं यीस्ट लगता है या यीस्ट के जो सेल्स लगते हैं वो 36 बिलियन सेल्स लगते हैं एक गैलन बियर को फर्मेंट करने के लिए. तो ये था हमारा आज का दारू तथ्य. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया है और दारू तथ्य भी पसंद आ गया है. अगर सब पसंद आ गया तो फटाफट से लाइक कर लो. चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले वो करो उसके साथ साथ में बेल आइकन दबाओ ऑल के साथ में तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब मैं अगला वीडियो रिलीज करूंगा. और चैनल को शेयर करो यार अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप इंस्टा ग्रुप सब पे फटाफट से शेयर कर दो चैनल को फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ में शेयर करो. ऑलराइट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस वॉज जेस साइनिंग ऑफ फॉर द डे. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. टिल देन चीयर्स.